अरे रंग पसंती चाकी घुट रही है, जय हो जय हो। कभी अफवाह आई कि छोटी कट रही है, जय हो जय हो। अब एक नई अफवाह चल रही, लेकिन मैंने प्रसंग की बात ली है, कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। भगवान कन्हैया का प्राकट्य हुआ, गोकुल में कन्हैया पहुंच गए, जय जय। तो उस जगह का मेरा प्रसंग है, रंग बसंती। अरे हमने माना तुमने माना, क्यों होता है दिल दीवाना, क्यों होता है दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दी। रंग पसंती, अंग पसंती, yeah! रंग पसंती छा गया मस्ताना, मौसम आ गया मस्ताना, मौसम आ गया मस्ताना, मौसम आ गया। अब प्रसंग क्या है, ये गुल नए खिला रही, नंद भवन में सब उत्सव में मगन है, कन्हैया जी को गोद में लेकर के चली है, किसी की दृष्टि नहीं गई, लेकिन कहना क्या, ये गुल नए खिला रही, इसके भाव मिला रही, और बेशक माँ का भाव लिया है, कृष्ण को दूध पिला रही, कृष्ण को दूध पिला रही, कृष्ण को दूध पिला रही। पूतना तभी तो नीचे परी पूतना, मरो पूतना मरी पूतना, ये तीन लाइनों पर ध्यान देना, है पापों से भरी पूतना तभी तो नीचे परी पूतना, मरो पूतना मरो पूतना मरी पूतना, मरो पूतना मरी पूतना। अब देखो ताली कैसे बजती है, मरो पूतना मरी पूतना, नंद भवन से दूषित मन से और भाव सच्चा उठाने आ गई, ये और ये तो बच्चा उठाने, ये ये बच्चा उठाने आ गई, ये तो बच्चा उठाने आ गई, ये बच्चा उठाने आ गई, ये बच्चा उठाने आ गई। अब सामने से जवाब यही से हो तब है लड़ाई, क्या भारत, भारत तो हमारा देश है, भारत तो हमारा देश है, और हक इस पे सह नहीं सकता है, अरे जो भारत माता की जय ना बोले वो भारत में रह नहीं सकता, क्योंकि नंद भवन से दूषित मन से भाव सच्चा उठाने आ गई, ये और सब कह रहे हैं ये वही है, जो ये बच्चा उठाने आ गई, ये। सुना भी आप लोगों ने, सुना भैया रामवीर जी को, साथियों को, उनके साथियों को। रामवीर जी आप तमाम काम हमको दे रहे हैं कि जब आप यहाँ से आए तब बात बनेगी, यहाँ से चले तब मामला लड़ेगा, यहाँ से शुरू हो तब बात आगे बढ़ेगी। पहली बात तो आप जवाब ही नहीं कर रहे हैं, आप तो रसिया कर रहे हैं। और क्या रसिया है ये, इसको जवाबी नहीं कहते, इसको हमारे यहाँ जवाबी नहीं कहते, जवाबी है आप ये जवाबी नहीं कर रहे हैं, तो रसिया कर रहे हैं। और क्या, और रसिया का प्रोग्राम रसिया वाले मंडल से करिए, करिए जवाबी का कार्यक्रम जवाबी मंडल से करिए। और क्या, जो बीच में आप कवित्व बोलते हैं ये सब रसिया में चलता है, हमारे वहाँ ये कवित्व जवाबी में नहीं चलता ना। आप 75 75 लाइनें पहले की जो तैयार है सब वही लेके खड़े हैं, खड़े हैं।
घर से तैयारी करके लाए, घर से सब तैयार करके वही सब माठा दे रहे हैं यहाँ पर। तो आप जवाबी जवाबी तब हैं जब मैंने तीन प्रसंग आए हैं, तो आप भी जवाब में तीन प्रसंग ही गाइए। जैसे मैंने पहले गीत में कहीं काल का भूपर जन्म हो ना जाए, मैंने उस गीत में आपको टोका नहीं, मेरे उस गीत में पहले नारद जी कह रहे हैं कंस से, फिर कंस कह रहे हैं नारद से, और फिर भगवान कह रहे हैं कंस से। तो आपको जवाब में भी तीन पात्र लेने चाहिए, कि पहले वो कह रहा है, फिर वो कह रहा है, फिर वो कह रहा है। और क्या बात, ये नहीं कि अपने अपना माल माल दूसरे के हे हे हे। अरे आप भी तो कुछ करिए, पहले आप भी तो जवाबी का तरीका सीखिए। अच्छा सब कुछ हम आपके आपके एरिया में खड़े, तो आपकी मर्जी से करें, हमारी मर्जी से कुछ नहीं। फिर जवाबी का है कि ये रसिया दंगल थोड़ी हो रहा है, तो जवाबी हो रही है। लेकिन नहीं, मूछ वाला है, पूछ वाला है, उसमें भी दंगल में या रसिया में मैंने बहुत लोगों को YouTube में सुना है, सुना है। जो आप पढ़ रहे हैं यही सब वो लोग भी पढ़ते हैं। और क्या? आपका कुछ अपना अलग नहीं है, नहीं। बिल्कुल यही सब वो लोग भी पढ़ते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। अपनी अपनी बुद्धि की उपज कोई आए तब तो कीर्तन है। और क्या? तीन प्रसंग थे, ललन जाए भाड़ में, भजन जाए भाड़ में, मुझे ललन की पड़ी। मेरे गीत में तीन लोग तीन नारियां कह रही हैं। पहले शनि की पत्नी कह रही है, फिर भोलेनाथ की पत्नी और देवता कह रहे हैं भोलेनाथ से कि तारकासुर के वध के लिए 6 दिन का लाल चाहिए। तब वहाँ भजन जाए भाड़ में ललन की पड़ी, और फिर तीसरे में भीष्म पितामह से कहा जा रहा है कि भजन जाए भाड़ में और ललन की पड़ी। आपने केवल कश्यप से उत्तर को दे दिया है, पूरा हो गया उत्तर, तीन जगह कहा। फिर ये जवाबी थोड़ी है, तो जवाबा है, ये जवाबा है। नहीं, पहले खुद भी तो वही करिए। और क्या? चलिए हम तो कहेंगे कि आदर अनादर मेहमानों से पूछो, भले ही आप यहाँ के हैं, कमेटी आपको बड़ा चाहती है, मैंने सुना है आप बहुत बार यहाँ आते हैं मंच पर। और क्या? दूसरे कलाकार बदल जाते हैं, आप कभी नहीं बदलते, ये तो भगवान करे इस बहन के लिए कभी ना बदले, आप बदले नहीं, ऐसे ही रहें। और आप करें बहुत जल्दी मची है, और आपकी बदल जाओगे। जब मैंने कहा ललन की पड़ी, तो आप करें इतनी जल्दी, अरे हमें थोड़ी पड़ी, हम तो प्रसंग सुना रहे हैं। इसीलिए राम मंदिर नहीं बन पा रहा है। जो हम कह नहीं रहे वो क्यों शुरू कर रहे हैं आप? ये कलयुगी भाई है बेटे, हम तो आपको हृदय से भाई मानते हैं, अपना बड़ा सम्मान करते हैं। और क्या? तो गीत मैंने गाया है प्रसंग के हिसाब से, कलाकार को जो अच्छा लगता है वो गाता है। ये क्योंकि आदर आदर अनादर मेहमानों से पूछो, सीमा की हालत जवानों से पूछो, कुछ लोग तो नेताओं को सिक्कों से तौल देते हैं, कुछ लोग तो नेताओं को सिक्कों से तौल देते हैं, पर कर्जा है कितना वो किसानों से पूछो। और प्यार प्यार का मतलब हबीबों से पूछो, प्यार का मतलब हबीबों से पूछो, दुश्मनी का मतलब रकीबों से पूछो, और कुछ लोग तो खाते हैं काजू और पिस्ता, पर रोटी की कीमत गरीबों से पूछो। सब बढ़िया गा रहे हो आप, आपका क्षेत्र है, आप जैसा चले आपकी मर्जी है, मुझसे जितना बनेगा मैं आपको सुनाऊंगी बस, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी जवाबी नहीं होती जैसी आप कर रहे हैं। रसिया वाली जवाबी करो। नहीं यार, रसिया वाली जवाबी उधर ही होती है। चलिए, के रंग बसंती कहते हैं जवाबी। ये गीत कैसे चलता है, इस गीत पर ढोलक बजती कैसे, सुनिए जरा। अंग बसंती रंग बसंती ढंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम,
नंद भवन से दूषित मन से भाव मन में ला गई तो ये तो बच्चा उठाने आ गई। अब जो उठाने आई है वो जाने, हमारा प्रोग्राम है, ऐसा फुर्सत नहीं है। हेलो हेलो, देखो भैया सीटी हो रही बराबर इसमें। अच्छे बच्चे सीटी नहीं बजाते हैं, मोबाइल बजाते हैं। थोड़ा जवाब दूंगी लेकिन जवाब मिलेगा आपको। ये हेलो हेलो हेलो, बस भैया क्या बात है, आपने कहा तो बच्चा उठाने आ गई, यानी कन्हैया को उठाने पूतना आई, सब बता दिया आपने। और क्या, ये पूतना कोई और नहीं, इस पूतना की ही इच्छा थी कि कभी यही कन्हैया मेरा स्तनपान करे, भले ही मेरे उधर से न जन्मे लेकिन मैं माँ की तरह इसको दूध पिलाऊं। लेकिन उसका रास्ता गलत था, कन्हैया के पास तक आने का रास्ता गलत था, कैसे? मुझे लिखना पड़ा के पूर्व जन्म की वही पूतना जिसके हो के पूर्व जन्म की वही पूतना जिसके कोई हुआ पूतना पूतने मारा ऐसी पूतना वही पूर्व जन्म की पूतना जिसके कोई पूत नहीं था पूत नहीं और फिर पूत ने मारी वही पूतना। अलग अलग बातें हैं, सुनिए आपसे अलग हैं और मिला लीजिएगा, मिला लो। पूर्व जन्म की वही पूतना जिसके कोई हुआ पूतना पूतने मारी वही पूतना तो गई है तन से, ये बात गई है तन से, पाप गया मन से, वो गई है तन से, पाप गया मन से, सजा कर्म की पा गई वही पूतना। जब कन्हैया छाती पर चढ़कर दूध पीने लगे, जहर खींच लिया और उसके प्राण निकल गए तो लिखना पड़ा गई है तन से, पाप गया मन से, सजा कर्म की पा गई तो वही वो बच्चा से कच्चा खा। वही पूतना अपने कर्मों की सजा पा गई और जिसको वो बच्चा समझ रही थी उसी से गच्चा खा गई। एक गीत आपको और मिला है मुझे, उसका भी जवाब सुनिए। हाँ सुनिए। YouTube पर खूब बज रहा है मेरा अभिनंदन वाला कट पीस, मैंने तो आनंद के लिए लोगों के सुनाने के लिए गाया, बढ़िया तैयारी करके लाए आप। एक तो पूछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। एक अंजनी माँ ने पाला है, अंजनी माँ ने पाला कहा, हनुमान जी बहुत छोटे थे, अंजनी माँ तो छोटे पे ही छोड़कर चली गई, हनुमान को तो वो छोड़कर जा रही है, अंजनी माँ ने पाला है। आए? जो मर्जी आए कहो, रसिया है, झोंके पड़े हैं। लेकिन ठीक है, गीत बड़ा अच्छा दिया है आपने के मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, एक मिनट कह रहे थे कि अपने कट पीस का इसको आप आगे बढ़ाइए, एक तो पूछ वाला है, एक तो मूछ वाला है,
फिर उन्होंने अपनी लाइनें गाकर कहा इसको आप आगे बढ़ाइए। अरे इसको आगे क्या बढ़ाएं, चलिए आप करें तो बढ़ाए देते हैं। के सागर में वो कूद गए मारुति नंदन, देखिए आगे बढ़ रही हूँ। हालांकि अपने ही कट पीस का जवाब देना पड़े तो काहे की जवाबी, काहे की जवाबी, जब अपने ही गाने का जवाब हमको ही देना है तो काहे की जवाबी। पता नहीं कैसी उल्टी सीधी जवाबी लड़ रहे हो आप। अरे एक टुकड़ा मैंने गाया, दूसरा आपने गा दिया, वो पूरा हो गया। अब फिर उसको हम आगे बढ़ाए तो जब तक जवाबी चले एक ही टुकड़ा चले गया। भैया लोग खुद जानते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए फिर भी इन्होंने कहा है तुम्हें चार लाइनें सुनाए दे रही हूँ। वही अभिनंदन और वही हनुमान। देखिए हमारी तरफ तरीका ये है जवाबी का कि अगर मैंने अभिनंदन और हनुमान को ले लिया तो फिर आपको कोई त्रेता का एक देवता और कलयुग का कोई एक और दूसरा वीर लाना चाहिए, तब जवाबी होता, तब होती जवाबी। हम भी हनुमान गा रहे हैं, हम भी अभिनंदन गा रहे हैं, आप भी अभिनंदन गा रहे हैं, तो काहे की जवाबी। हालांकि आप जबरदस्ती कह रहे हैं, हम लोग एटा जाते हैं, मैनपुरी हर जगह कार्यक्रम करते हैं, हमारे यहाँ ऐसी जवाबी नहीं होती। हमारे यहाँ अगर सतयुग का मैंने एक प्रसंग गाया है तो वैसा ही प्रसंग एक आप लाइए, ये नहीं कि मेरे प्रसंग में लीपा पोती करके हमको सुना दीजिए, फिर जवाबी नहीं है, फिर तो ये रसिया है जो आप दे रहे हैं। चार सवैया सुना दिया, जवाबी हो गई। चलिए सुनिए, सुनिए। के सागर में वो कूद गए मारुति नंदन, और तालाब में है कूद गए वो अभिनंदन। देखिए वो सागर में कूदे अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए, और अभिनंदन अभिनंदन तालाब में कूदे, लेकिन वहां भी जब लोगों ने उन्हें पकड़ा तो सबसे पहले उनके मुंह से निकला कि मैं कहां पर हूं, लोगों ने झूठ बोला ये भारत है, तो उस बच्चे ने बोला कि भारत माता की जय। लेकिन जब ये पता चला कि हिंदुस्तानी है तो बस उनकी उनकी अपनी प्रतिक्रिया चालू हो गई अभिनंदन पर, वो उसको ले गए। लेकिन मैं जोड़ने का प्रयास कर रही हूं, समझो। सुनिए कैसे, के सागर में वो कूद गए मारुति नंदन, और तालाब में कूद गए हैं अभिनंदन, तो शक्ति अटूट लेके पहुंचे हैं कपिनंदन। लेकिन मिलाया कैसे है, के शक्ति अटूट लेके पहुंचे हैं कपिनंदन, और इधर पैराशूट लेके पहुंचे अभिनंदन। वो पैराशूट लेकर पहुंचे तो कायर पाकिस्तान लगा है, कायर पाकिस्तान वो पीठ दिखाने वाला है, कायर पाकिस्तान वो पीठ दिखाने वाला है। लेकिन मिला क्या, कि वीर यहाँ वो 56 इंची सीने वाला है। तो दोनों कैसे हैं, कैसे, अब ये मिलान कैसा है, देखिए जवाब कैसा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मिलान करें तो मिलेगा क्या, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखिए और हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, तो वीर यहाँ 56 इंची वो सीने वाला है, इधर हमारे भारत में ये दाढ़ी मूछ वाला है वो बिना मूछ वाला, ऐसे जवाब जोड़ना चाहिए, ऐसे जवाब दिया जाता है भाई, अपने अपने समझ लो। जब हम मूछ मूछ और पूछ की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसा ही कुछ लाना चाहिए। आप समझ जाना